नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि विजन मैगजीन को डिस्कस करने के लिए हमने एक अपने टेलीग्राम चैनल पे पोल कराया था, जिस पे जो कि मैक्सिमम लोगों ने बोला कि हाँ सर, इस चीज़ को भी हमको यूट्यूब पे शुरू करना चाहिए, मैगजीन को जो कि जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन आता है विजन को हिंदी में, उसको हमको डिस्कस करना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि आज से ही आपका मैगजीन वाला जो चैप्टर है, टॉपिक है, ये आपका यूट्यूब पर शुरू हो गया है। ठीक है, आपको रोज़ एक वीडियो इस पर मिलते रहेंगे, जहाँ जैसे कि आप देखो कोई भी अगर मैगजीन आती है तो मान के चलो मैक्सिमम 10 डेज में ये जो कि डेली वीडियो आते रहेंगे, तो 10 डेज में जो कि आपका ये पूरा मंथली मैगजीन खत्म हो जाएगा। अब देखो ये अप्रैल 2021 का मैगजीन है, तो हम लोग अप्रैल 2021 का मैगजीन को डिस्कस करेंगे। आपका नीचे देखो, हमको चलो देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक जो हमको पढ़ना है। यहाँ पे देखो ये आपका पॉलिटी से संबंधित, पॉलिटी गवर्नेंस से संबंधित जो आपका टॉपिक है वो देखेंगे इसमें। ठीक है, फिर IR से संबंधित टॉपिक है, और बाकी ऐसे इकोनॉमी का है, सुरक्षा, पर्यावरण, इन्वायरमेंट का टॉपिक है, सामाजिक मुद्दे। अब देखो जो सामाजिक मुद्दे वाला टॉपिक है ना, ये आपका सोशल इशू वाला, ये जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो कोई खासकर अगर सामाजिक रिपोर्ट आता है कोई सामाजिक मुद्दे के, जैसे खासकर देखो ये जेंडर, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, तो इस तरह से रिपोर्ट के जो डेटा है अगर हमें अपने सोशियोलॉजी में मेंशन करते हैं आंसर में, तो हमारे आंसर की एंगेजमेंट बढ़ती है। तो ये सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही आप देखो कल्चर एंड एथिक्स की और जो और बाकी जो गवर्नमेंट स्कीमें, तो ये सब सारे यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं। तो इन सब टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो लगभग ये आपका 132 पेज में ये पूरा का पूरा आपका जो कि मैगजीन है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले जो भी सैलेंड में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ देखो सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो यार, आप ही के दोस्त का चैनल है। ठीक है, थोड़ा आप सपोर्ट करिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आपका पहला टॉपिक, जो कि आपका किससे है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। तो देखो पहला जो आपका टॉपिक है वो क्या है, ऑनलाइन विवाद समाधान, ODR की बात कर रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या है, और जो आपका ऑनलाइन ऑनलाइन विवाद समाधान, देखो ये क्या कह रहा है, ये क्या है समझते हैं। विशेष रूप से लघु और मध्यम मूल्य के मामलों में न्यायालयों के बाहर विवाद निपटान की एक प्रणाली है। कहने का मतलब यहाँ पर जो विवाद का निपटान किया जाता है वो कोर्ट में जाकर नहीं किया जाता, बल्कि एक जो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, यानी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू जो कि हम अपने समस्याओं का समाधान करते हैं। यहाँ पे हमको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जैसे खासकर आप देखो COVID-19 के समय में काफ़ी जो कि कुछ कोर्ट की सुनवाई जो कि इसी तरह से हुई है। ठीक है, तो इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, इसी चीज़ को और बृहद स्तर पर लाने के लिए ये ODR का टॉपिक यहाँ पे हमारे जो कि न्यूज़ में था। तो चलो इसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन विवाद समाधान क्या है। अब आगे देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, जो ODR है आपका यानी ऑनलाइन विवाद समाधान है, इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि न्यायालय एक स्थान नहीं बल्कि एक सेवा होनी चाहिए। देखो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं कि जो आपको अगर न्याय चाहिए तो आपको न्यायालय तक जाना ही हो तभी आपको जो कि न्याय वाली सर्विस है वो मिलेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि जो न्यायालय वो एक सेवा है जो कि सभी तक पहुँच हो सकती है, भले वो न्यायालय तक जाए चाहे ना जाए। अब ये कैसे संभव होगा, जो आपका डिजिटल मीडिया है उसी के थ्रू संभव होगा। आप ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो कि इसको एक्सेस कर सकते हो कहीं भी, कहीं से भी रखे, किसी भी समय। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो न्यायालय तक जाने का आपको कष्ट उठाना पड़ता है, जो भी आपका समय और पैसे बर्बाद होते हैं वो जो कि बचत हो जाएगी, और साथ ही आपको जो न्याय की सेवा है जो आपको मिलनी चाहिए वो भी अच्छे से मिल जाएगी। तो ODR इसी दृष्टिकोण पर आधारित है आपका। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे बोला जी, ये ODR का स्वरूप हमको सामने दिख रहा है, इसके पीछे का क्या, इसके मतलब क्या कारण रहा है, क्यों ये मतलब हमको आज देखने को मिला। तो ये देखो जो ICT आपका है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके डेवलपमेंट के कारण, मतलब इसके जरिए क्या हुआ, भारत का डिजिटलीकरण बहुत तेज़ी से हुआ है, जिसके कारण जो कि हम ODR जैसे सिस्टम का भी प्रयोग कर ले रहे हैं अपने समस्याओं के समाधान के लिए, विवाद के निपटारा के लिए। ठीक है, यहीं पे देखो कहा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ODR जो कि भारतीय संविधान में निहित आदर्श, सभी के लिए न्याय तक पहुंच को भी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे देखो कोई भी व्यक्ति किसी भी दूरदराज एरिया में होगा उसको भी जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अगर वो न्याय में शामिल होना चाहता है, न्याय मतलब विवाद का निपटान चाहता है, तो इसके थ्रू उसको भी न्याय मिल सकती है। तो वही बोला जा रहा है कि ODR जो कि भारतीय संविधान में जो निहित एक आदर्श है कि न्याय तक पहुँच हो, तो इसको भी संपूर्ण करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो ये इसका एक पॉजिटिव साइड बताया जा रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत में ऑनलाइन विवाद समाधान का विकास, मतलब कैसे कैसे ऑनलाइन विवाद समाधान का विकास हुआ है, तो इसकी शुरुआत देखो 2006 से होती है। ठीक है,
फिर उसका 2006 का 2017 में जो हमारे लॉ मिनिस्टर है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि इस तरह का कोई सिस्टम होना चाहिए। फिर 2018 में देखोगे आपको एक अच्छा एग्जांपल है जो समाधान पोर्टल है, एमएसएमई से संबंधित जो विवाद है या समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए जो कि एक पोर्टल लॉन्च किया गया था एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा। पोर्टल का नाम था समाधान, पोर्टल का नाम ही था समाधान पोर्टल, जिसके थ्रू क्या होता है जो एमएसएमई जो भी व्यापारी है या जो भी लोग हैं एमएसएमई में शामिल है उनके जो भी विवाद है वो इस पोर्टल के जरिए जो कि ऑनलाइन जो कि उनके विवादों का समाधान किया जाता था। इसके बाद देखो आप, इसके बाद आप 2020 में देखोगे एक और इसके संबंध में इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, जैसे विवाद से विश्वास योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेकर आया था। ये किससे संबंधित था, ये जो आपका टैक्स विवाद है यानी कर से संबंधित जो विवाद है, देखो यहाँ पे कर विवादों के निपटान के लिए मतलब ये जो जो कर विवाद है इनका इनका निपटारा हो सके ऑनलाइन के थ्रू, ऑनलाइन इनका निपटारा हो सके इसके लिए जो कि विवाद से विश्वास योजना लेकर आया गया था। और 2020 में देखोगे छत्तीसगढ़ ने प्रथम आभासी लोक अदालत का आयोजन किया एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो कि सुलह संबंधी सेवाएं प्रदान की, मतलब जो पहला ई कोर्ट हमको जो देखने को मिला, कब देखने को मिला, छत्तीसगढ़ में देखने को मिला 2020 में, जहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पे जो कि समस्याओं का समाधान किया गया था। अब साथ ही देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में ऑनलाइन विवाह समाधान की वर्तमान स्थिति क्या है। यहाँ पे देखो देखो मैं सारे पॉइंट को नहीं पढ़ रहा हूँ, क्यों क्यों क्योंकि सारे पॉइंट काफ़ी मतलब सारे वर्ड टू वर्ड जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आपके नॉलेज के जो इंपॉर्टेंट है बस वही सब चीज़ें मैं आपको बताते हुए चला जा रहा हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि भारत में ऑनलाइन विवाद जो समाधान है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो देखो भारत में देखो ई कोर्ट विषम मोड परियोजना चल रही है, मतलब ई कोर्ट को प्रमोट करने की चीज़ें बातें यहाँ पर कही जा रही है। साथ ही ई लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है, जैसे जैसे देखो आप कोविड-19 महामारी के कारण जो कि छत्तीसगढ़ में जो कि पहली बार छत्तीसगढ़ में पहली बार ई लोक अदालत का आयोजन का आयोजन किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो वर्चुअल कोर्ट या आभासी कोर्ट, वही बात है ई कोर्ट की बात, ये लोक अदालत ही यहाँ पे जो आपका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है उसके उसके लिए बोला जा रहा है कि वर्चुअल कोर्ट या आभासी कोर्ट की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो उच्चतम न्यायालय ने ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से ट्रैफिक चलान व चेक बाउंसिंग जैसे साधारण मामलों के समाधान हेतु भी अनुशंसा की, ताकि इन देखो इससे क्या होगा जो इस तरह के मामले देखोगे रोज आपको देखने को मिलते हैं, रोज नए नए मामले आते रहते हैं, तो इनका जो कि एक तरह से त्वरित जो कि समाधान भी हो जाएगा अगर आप ऑनलाइन ऑनलाइन जो कि विवाद समाधान का प्रयोग करते हो। साथ ही इससे क्या होगा जो कोर्ट पे एक बर्डन पड़ता है वो बर्डन भी कम हो जाएगा कोर्ट पे। साथ ही देखो और देखो डिजिटल को डिजिटल सेवा को बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ है, क्या किया गया, जो आरबीआई है उसने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ओडीआर से संबंधित नीति बनाई है, जिसके लिए उन्होंने जो कि नंदन नीलकेणी कमेटी का भी गठन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझा कि भारत में जो कि डिजिटलीकरण की जो स्थिति है या फिर जो आपका ऑनलाइन विवाह समाधान की स्थिति है वो कैसी रही है, क्या क्या इस पर काम चल रहा है। अब चलो देखते हैं कि जो आपका ऑनलाइन विवाह समाधान है इसके क्या लाभ है, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। ओडीआर अब सोचो आप खुद ही सोचो कि अगर हमें ऑनलाइन जस्टिस मिल रही है तो इसके हमको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहला पॉइंट देखो आपका जो समाधान है उसमें जो समय लगता है वो समय की बचत हो गया है ना, क्योंकि अगर आप देखो एक एक अपने जगह से जाते हो जहाँ पे कोर्ट है वहाँ जाते हो तो आने जाने में समय लगता है, फिर उसका कोर्ट की हियरिंग होगी फिर उसमें जो समय लगता है वो अलग बात है, लेकिन आने जाने का जो समय लगता है तो उस समय में बचत होगी। साथ ही जो विधि लागत है यानी जो ऐसे 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 केसेस के लिए जो अगर आप वकील हायर करते हो और जो आपका खर्चा है मतलब ये पूरे जस्टिस सिस्टम में जो भी खर्चा लगा उस वो जो खर्चा है उसमें भी कमी आएगी। कैसे, देखो आपके आने जाने का जो किराया भाड़ा है वो बच गया, साथ ही आप जब आपका हियरिंग होगा तो आप उसी टाइम जो कि अपने काम को छोड़ के आप उसी टाइम आ सकते हो, केवल उसी टाइम जो कि ये हियरिंग में शामिल हो जाइए फिर उसका अपने काम पे आप वापस पुनः चले जाइए। तो इससे क्या होगा जो आपका एक तरह से देखो जो विधि जो लागत है वो कम हो जाएगा, साथ ही ये देखोगे आपको सुविधाजनक और त्वरित विवाह समाधान, मतलब ये सुविधाजनक है इसमें कहीं आपको आने जाने का कष्ट नहीं है। अगर कोई मान लो व्यक्ति है वो दिव्यांग है या फिर अपाहिज है किसी कारण से उसको चलने में दिक्कत है या बहुत ज़्यादा कह लो बहुत हेल्दी मोटा है वो नहीं आ जा सकता जल्दी कहीं बहुत कम जाता आता है या फिर किसी को सांस की बीमारी भी किसी तरह की बीमारी है जिसकी वजह से वो नहीं जा पा रहा है, तो इससे देखो ये सुविधाजनक है खासकर कोविड-19 के समय में देख लो जहाँ पर जो कि 2 गज की दूरी वाली बात कही गई थी, मतलब लोग दूरी एक दूसरे से बनाए थे, तो इस माध्यम के थ्रू जो कि आपको न्याय प्राप्त करने में सुविधा है और ये तेज भी है, ठीक है, इससे आपको जल्दी न्याय प्राप्त हो जाती है। साथ ही देखो इससे क्या होता है न्याय तक पहुंच में वृद्धि होती है। जी हाँ, जैसे कोई भी मध्यस्थता कराना है या सुलह कराना है किसी भी तरह की चीज़ें इस तरह की चीज़ें तो इससे जो कि न्याय में के पहुंच में जो कि आपको वृद्धि दिखने में, चाहे व्यक्ति कहीं भी दूरदराज क्षेत्र में हो वो जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो कि न्याय तक पहुंच अपनी प्राप्ति कर सकता है। साथ ही देखो इसमें जो पूर्वाग्रह निहित है उसकी समाप्ति हो सकती है, जैसे क्या होता है अगर आप कोर्ट जाते हो तो देखते हो कि वकील किस जाति का है, किस किस
कि वो उसकी सामाजिक परिस्थिति क्या है या फिर जो जज है वो किस जाति के हैं, तो आप वहाँ पे अपना जुगाड़ लगाना शुरू कर देते हो कि का शायद वो मेरे धर्म जाति या नस्ल का ऐसा कुछ है या मेरे सेम गांव से बिलोंग करता है। तो इस तरह की चीज़ें जो कि पूर्वाग्रह जो कि वकील और जज के मन में लाती है, तो इससे क्या होगा, जो दृश्य सब संकेत है इससे क्या होगा, ये सब जो पूर्वाग्रह है ये खत्म हो जाएगा और जो दावा और सूचनाएँ हैं या जो प्रूफ है उसी के आधार पर जो कि विवादों का हल किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। साथ ही बोल रहा है कि देखो यहाँ पे कार्य एक और फायदा क्या है, समाज की विधिक स्थिति में सुधार होगा। जी हाँ, जब लोग जो कि इसके बारे में जागरूक हो जाएंगे, लोग इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने लगेंगे, तो उनको जो कि लॉ के बारे में जानकारी मिलेंगी और वो जो कि अपने अधिकारों के बारे में ज़्यादा सक्षम होंगे, ज़्यादा जो कि जानने में सहज होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम बोल रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट में बोला कि इसका और क्या लाभ है, जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस वो आपका बढ़ेगा। जी हाँ, जैसे आपका देखो बिजनेस से संबंधित कोई विवाद है, अब उसमें कोई विवाद हुआ है तो ऑनलाइन अगर विवाद का निपटान किया जा रहा है तो इससे जो आप देखो इससे क्या हुआ, जल्दी से जल्दी विवाद का निपटान होता है, आपका इज ऑफ डूइंग बिजनेस है जो है उसमें जो कि सुधार दिखने को मिलेगा। फिर साथ ही बोला जा रहा है आपका देखो यहाँ पे जो आपका न्याय की व्यापक दृष्टि भी प्राप्त होगी, मतलब अधिक से अधिक न्याय का जो एक एरिया है ना वो बढ़ गया है। मतलब अब पहले ये होता था कि आप जब तक तो पहले कुछ लोग होते थे कि यार कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने जाएगा, ये आपने सुना होगा सबके मुंह से। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलता है कि जो अब यहाँ पर आपको चक्कर नहीं काटना है, आना जाना नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है, तो अब हर कोई जो कि न्याय पाने की कोशिश करेगा कि हाँ चलो अब तो ईजी हो गया है, सहज हो गया न्याय पाना, तो हर कोई जो कि न्याय पाने के लिए जो कि इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। फिर साथ ही देखो यहाँ पे अब ये हमने कुछ इसके लाभ देखे, साथ ही इसके कुछ चुनौतियाँ हैं। देखो चुनौतियाँ क्या है, देखो कोई भी डिजिटल संबंधित चुनौतियाँ की तो वहाँ पे दो तीन पॉइंट आप तो बड़े आराम से देख सकते हो, जैसे डिजिटल साक्षरता की कमी हमारे देश में, डिजिटल अवसंरचना की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, साथ ही जो आपका देखोगे जो डिजिटल डिवाइडेशन है, डिजिटल डिवाइड मतलब जो अमीर लोग ही डिजिटल मीडिया का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, गरीबों के पास डिजिटल चीज़ों का प्रयोग करने के साधन नहीं है, तो ये सब कॉमन पॉइंट आप लिख सकते हो। साथ ही आप साइबर सिक्योरिटी की बातें भी लिख सकते हो कि डेटा हमारा सुरक्षा नहीं है, इसके अलावा जो आपका निजता का उल्लंघन होगा इस तरह की बातें लिख सकते हो। ठीक है, निजता का उल्लंघन की समस्या है, डेटा के चोरी होने की समस्या है, तो ये सब कुछ चुनौतियाँ हैं जो आप कॉमन जो कि आप हर जगह यूज कर सकते हो। यहाँ ये आप देखोगे तो ODR के सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हो। साथ ही एक और एवरग्रीन टॉपिक है, कॉमन टॉप पॉइंट है कि जागरूकता की कमी, ODR के संदर्भ में जागरूकता की कमी, ये भी आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो एक रिपोर्ट है काफ़ी अच्छी है, प्रौद्योगिकी तक पहुंच के मामले में लैंगिक विभाजन, यहाँ पर देखो एक रिपोर्ट की बात करें, आप इसको सोशियोलॉजी के लिए भी यूज कर सकते हो, इंटरनेट इंडिया रिपोर्ट 2019। इस रिपोर्ट के आधार पर बोला जा रहा है कि जो भारत में महिला इंटरनेट उपयोगकर्ता में महिलाओं की भागीदारी देखोगे तो वो लगभग एक तिहाई है, 1/3 है, ग्रामीण क्षेत्रों में देखोगे तो 28% है, मतलब अभी भी आप देखोगे 100% में से केवल 28% महिलाएं ही जो कि इंटरनेट का यूज कर रही है, बाकी महिलाएं इंटरनेट का यूज नहीं कर रही है। तो इस तरह का जो कि लैंगिक विभाजन भी इंटरनेट डिजिटल मीडिया में है, जिसके कारण जो कि इसका प्रयोग महिलाओं के लिए न्याय तक पहुंच भी अभी भी जो कि सुनिश्चित करने में ये इसमें टाइम लगेगा। तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं। अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ODR तंत्र के निर्माण के लिए अपनाए जा सकने वाले कुछ सिद्धांत, मतलब कि जो ODR सिस्टम है इसको प्रमोट अगर हमको करना है, इसको और बृहद स्तर पर यूज करना है, मतलब सभी के लिए सहज हो, तो इसके लिए हमें कुछ काम करने होंगे। जैसे देखो शिक्षा और मूल्यांकन ODR के प्रमुख चरण, मतलब जो आपको एजुकेशन के थ्रू जो कि लोगों में जागरूक लाना होगा। ठीक है, और साथ ही आप देखो साइबर सुरक्षा एक जो कि इसका प्रमुख मुद्दा है, तो आपको साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करनी होगी और बताना होगा नहीं आपका डेटा यहाँ से कहीं नहीं जाना होगा, आप इतना जो कि जनता में इंश्योरिटी लेकर आइए। फिर उसका बोला जा रहा है कि जो ODR सिस्टम इसको खुला रखिए, ऐसा नहीं कि किसी वर्ग या श्रेणी के लिए एक्सेस करना इसी हो जबकि किसी और वर्ग श्रेणी के लिए इसको एक्सेस ना मिले, मतलब यहाँ पे इसको इसके डेटा को आप प्राप्त नहीं कर सकते, ये जो कि सभी के लिए जो भी लोग जो जैसे कि केस वगैरह से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हैं उन सभी के लिए जो कि इसके डेटा एक्सेसिबल हो इस तरह का प्रावधान करना चाहिए। साथ ही इसका यहाँ बोला जा रहा है जो अंतिम समझौते के प्रवर्तन पर स्पष्टता होना महत्वपूर्ण, मतलब जो भी आपका समझौता हुआ है लास्ट में मध्यस्थता के थ्रू या जो भी जैसे भी जो कि आपका समाधान निकला है, तो इस यह जो समाधान हो वो स्पष्ट होना चाहिए, इसमें कुछ कोई लूप होल नहीं होना चाहिए जिसका कि जिसके कारण जो कि इसका दुरुपयोग होना शुरू हो जाए। तो इस तरह की बातें अगर आप इंश्योर करते हो तो आपका जो आपका ODR सिस्टम है वो जो कि काफ़ी अच्छे से आप काम करेगा और जो कि सभी तक जो कि न्याय की पहुँच को सुलभ मतलब सहज करेगा। तो यहाँ पर ये बातें कहेगी और देखो जो हमने वही पढ़ी थी चुनौतियों में इसके इसके संचालन में क्या क्या चुनौतियाँ, वही निजता व गोपनीय संबंधी चिंताएँ यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि आगे की राह,
कि मतलब इसमें क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, क्या सुझाव हो सकते हैं जिसके जरिए कि ये अच्छे से काम करे। तो देखो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, जो इसके समस्या है आप उसी के समाधान दीजिए, आपके वही हो गया वे फॉरवर्ड। जैसे बोला जो बुनियादी ढांचे यानी अवसंरचना निर्माण की कमी आप उसको पूरा कीजिए, ठीक है। फिर डिजिटल साक्षरता में वृद्धि कीजिए, इसके क्षमता निर्माण में वृद्धि कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोग दूर 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 तक इसको जो कि लोगों को जैसे विभिन्न स्वयंसेवी संगठन है, एनजीओ है, उनके थ्रू जो कि इसका इसका प्रमोट किया जाना चाहिए। फिर देखो यहाँ बोला जाए सरकारी अभियोजनों हेतु ODR को अपनाया जाए, मतलब जो सरकारी कुछ मुद्दे हैं, सभी मुद्दे की बात नहीं करें, कुछ ऐसे सरकारी विवाद हैं जिनको निपटान भी ये आपको ODR के थ्रू होना चाहिए। इससे क्या होगा, जनता में एक मैसेज जाएगा कि नहीं, अगर गवर्नमेंट भी इसका यूज करे तो मतलब ये एक सही चीज़ है, इसमें कोई गलत नहीं, हम भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन होगा और न्याय तक सभी तक पहुंच जो कि सुनिश्चित होगी। फिर उसके बाद बोला जाए कि जो ODR है उसको रेगुलेट भी करना चाहिए, ऐसा नहीं उसको पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। तो ये कुछ हमको करना चाहिए, ये आपको वे फॉरवर्ड मतलब दिया जाता है यहाँ पर, जिससे आपका देखो ये आपका टॉपिक जो है एक होलिस्टिक रूप में जबकि आपका कवर हो गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ODR टॉपिक वाला हमारा खत्म हो गया, ऑनलाइन विवाद समाधान वाला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारा है संसदीय कार्य प्रणाली। देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, संसदीय कार्य प्रणाली, ठीक है, यानी पार्लियामेंट्री फंक्शन। अब देखो अभी क्या हुआ, हालिया समय में देखोगे जो आपका लॉकडाउन की वजह से भी देख लो पार्लियामेंट के कई सेशन जो जो आपका सेशन स्थगित कर दिए गए थे, मतलब सेशन चल ही नहीं रहा था पार्लियामेंट में, और कई सारे बिल जो कि बिना डिस्कशन के ही पास हो गया था। तो इस तरह की वजह से ये जो कि सुर्खियों में रहा है, यहाँ पर बोला जाए जो संसद की कार्य प्रणाली है वो प्रभावित हुई, वो अच्छे से नहीं चल रही है, इस वजह से ये जो कि न्यूज़ में है। अब देखो जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप देखोगे जो बजट सत्र में विधेयक की समीक्षा नहीं हुआ, मतलब जो बजट सत्र है, बजट सत्र था उसमें जो बिल आए थे उसकी जो कि समीक्षा नहीं की गई थी, यानी स्क्रूटनी नहीं की गई थी। यहाँ पे देखो कुछ बताया जा रहा है, जैसे कि 13 विधेयकों को जो कि पुनः स्थापित किया गया था, और उनमें से एक को भी जांच के लिए संसदीय समिति को प्रेषित नहीं किया गया था। यानी यहाँ पे जो बताया जो संसदीय कार्यप्रणाली वो घट रही है यहाँ पे, एक तो देखो उसमें जो कि गिरावट देखने को मिली है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कई बिल हैं, 13 बिल हैं जिनको जो कि स्क्रूटनाइज नहीं किया गया, उसकी उसकी जो कि समीक्षा नहीं की गई, और वैसे ही उसको जो कि पास कर दिया गया। और साथ ही यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि और कुछ एग्जांपल बताया जा रहा है, जैसे देखो यहाँ बोला जा रहा है जो बिल्स हैं, विधेयक हैं, उनको संदर्भित करने की घटना की घटती प्रवृत्ति, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है जो आपका जो बिल होते हैं उनको जो एक समिति के पास स्क्रूटनाइज करने के लिए भेजा जाता है, तो उस ये जो भेजा जो बिल को भेजा जाता है उसमें जो कि गिरावट देखने को मिली। जैसे बोला जा रहा है कि आपका 14वीं और 15वीं लोकसभा में आप देखोगे तो कम से 60% और 71% विधेयकों को बिना समीक्षा मतलब को समीक्षा या परीक्षण के लिए समितियों को किया गया था, यानी 14-15 लोकसभा में कितना 60% जो बिल थे उसको जो कि भेजा गया था, और 15वीं लोकसभा में 71% जो कि बिल को भेजा गया था। जबकि आप देखोगे 16वीं लोकसभा में क्या हो रहा है, यह घटकर सीधे 27% हो गया, मतलब कि अब जितने बिल आए उसमें से केवल 27% बिल को ही समिति के पास स्क्रूटनाइज के लिए भेजा गया, और 17वीं लोकसभा में देखोगे तो केवल यह 11% रह गया, मतलब 90% बिल लगभग ऐसे ही पास हो गए बिना किसी स्क्रूटनाइज के। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा डेटा है, आप इसको जरूर नोट डाउन करिएगा, जहाँ पे संसद कार्य प्रणाली से देखो काफ़ी प्रभावित हो रही है। फिर यहाँ पे बोला है उपस्थिति में कमी, यहाँ यानी कि आपको बताया जा रहा है कि जो आपके सांसद हैं वो जो कि उनकी उपस्थिति में कमी देखी जा रही है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की औसत उपस्थिति आप देखोगे 71% और 74% तक रह गई है, ठीक है, मतलब जितनी उपस्थिति उनकी होनी चाहिए वहाँ पर ये घटकर कितनी रह गई है, 71 और 74% तक बस रह गई इनकी उपस्थिति, मतलब सबके सब आपके जो MP है वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं। साथ ही यहाँ पे देखो कुछ विधेयकों को धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। धन विधेयक क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार जो राज्यसभा होगी उसका इसमें कोई अधिकार नहीं होगा, वो इस बिल को आप बिल पर आपत्ति नहीं जता सकता, मतलब इस बिल को वापस नहीं रख सकता, वापस नहीं भेज सकता, या फिर इसको पास करने के लिए वो बाध्य है, वो इसको जो कि रोक नहीं सकता। तो इसलिए जो कि काफ़ी विधेयक को जो कि धन विधेयक के रूप में पास किया जा रहा है। जैसे इसमें देखो कुछ ऐसे विधेयक है, जैसे यहाँ बताया जा रहा है अधिकरणों का पुनर्गठन, जो अथॉरिटी है उनका पुनर्गठन के लिए कुछ बिल लाया गया, तो उसको जो कि आपका धन विधेयक के रूप में पास किया गया। जो चुनावी बॉन्ड है उसको भी आपका धन विधेयक के रूप में पास किया गया। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट है उसमें उसको भी ऐसे ही पास किया गया। यहाँ तक जो आपका आधार अधिनियम है उसको भी जो देखोगे आपको धन विधेयक के रूप में पास कर दिया गया, यानी यहाँ पे जो राज्यसभा की जो पावर है उसको जो कि खत्म कर दी गई, इस तरह की बात इन सब बिलों पर। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है जो केंद्रीय बजट है उस पर जो कि चर्चा का अभाव रहा है, इससे देखो आपको जो संसदीय कार्य प्रणाली वो प्रभावित हुई है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुल बजट का 76% हिस्सा जो कि बिना किसी चर्चा के ही स्वीकृत कर दिया गया,
ठीक है। यहाँ पे ये बातें कह रही कि आप देखो 76% जो पार्ट था बजट का, इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ और ऐसे ही इसको जो कि एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये सब क्या है, अगर जब तक आप इस पर डिस्कस नहीं करोगे तो अपोजिशन जो कि इस पर सवाल जब डिस्कस करोगे तभी अपोजिशन जो कि इस पर आपत्तियाँ जताएंगी, जहाँ आप उसको गड़बड़ लगेगा। जब आप डिस्कस ही नहीं करोगे तो अपोजिशन को आप अवसर ही नहीं दे रहे हो कि ये इस पर कुछ बोले। इस तरह की बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। फिर साथ ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो कि जो संसदीय कार्य प्रणाली का सुचारू रूप संचालन सुनिश्चित करना क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ पे उसके पहले तो एक काफ़ी अच्छा चार्ट बनाया गया था आपका। ये देखो यहाँ पे बोला जा रहा है डायग्राम के थ्रू कि जो संसद की उत्पादकता है, ठीक है, यानी विधायी कार्यों में, उसके गिरावट के क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर संसद की जो कार्य प्रणाली उसमें अगर गिरावट आए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला जाए पहला पॉइंट, संसद की जो जवाबदेहिता बनती है उसका अभाव देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि संसद अपने मन से हर बिल जो मतलब जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो अपने बिल को बिना किसी डिस्कशन के पास किए जा रहे तो उनकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है उसका अभाव देखने को मिला है। साथ ही देखो यहाँ पर बोला जा रहा है विधायी कार्यों पर समझौतावादी दृष्टिकोण, यानी जो विधायी कार्य है वो जो कि केवल एक ही पार्टी के हिसाब से चल रही है, बाकी सभी पार्टी का उसमें जो कि योगदान नहीं देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ बोला जा रहा है कि शासन व्यवस्था में उत्पन्न निष्क्रियता शून्यता को सक्रिय न्यायपालिका द्वारा तीव्रता से भरा जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखो बिना डिस्कशन के कोई बिल आएगा और बिल अगर वो संविधान के अनुकूल नहीं होगा तो जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो बढ़ेगा, वो देखने को मिलेगा, क्योंकि जुडिशरी ऐसे बिल को जो कि खारिज करना शुरू कर देगी। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ बोला जा रहा है कि विधायिका की भूमिका शक्ति संतुलन में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पर करने का मतलब जो आपका लेजिस्लेचर है और जो लेजिस्लेचर है ये जो कि अपने मन से जो सारे बिल ला रही है और पास किए जा रहे बिना किसी डिस्कस के, तो एक तरह से जो शक्ति संतुलन यानी इनकी शक्ति पर जो कंट्रोल होना चाहिए, तो अपोजिशन जो कि विभिन्न विभिन्न माध्यम से करती रहती है तो वो नहीं हो पा रहा। तो इस तरह से देखो जो शक्ति संतुलन है वो जो कि खतरे में पड़ रही है। साथ ही असहमति व्यक्त करने के साधनों का अभाव हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखो बिना स्क्रूटनाइज के बिल पास कर दे रहे हो, समिति के पास भेज ही नहीं रहे हो कि वो उसको ठीक से स्क्रूटनाइज करे और देखे कि आपका ये जो आपने बिल लाया है वो पूरी तरह से वैध है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे असहमति व्यक्त करने का जो साधन है उसका अभाव कर दिया, पूरा पूरा आप जो कि देखो पार्लियामेंट को ही स्थगित कर दे रहे हो। जबकि आप देखोगे जो ब्रिटेन कोविड-19 समय जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी वो जो कि पूरी की पूरी पार्लियामेंट उसका सेशन स्थगित नहीं हुआ, वो पूरी की पूरी सत्र जो कि चली है, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही चली है, लेकिन चली है वो पूरा का पूरा सेशन। तो ये जो कि कुछ इसके परिणाम दिखने को हमको मिलते हैं अगर संसद की कार्यप्रणाली में गिरावट आती है। तो अब यहीं पर चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि संसद की कार्यप्रणाली का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित क्यों करना महत्वपूर्ण, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। देखो इससे एक तो जो सरकार में शक्ति संतुलन है वो स्थापित होता है। अगर सुचारू रूप से संचालन संसद नहीं होगी तो इससे जो शक्ति संतुलन है वो असंतुलित हो जाएगा। कहने मतलब जो पक्ष में जो नेता है यानी जो सरकार है वो जो कि अपनी मनमानी ढंग से काम करने लगेंगी, इससे उन पर जो निगरानी है वो नहीं रखा जाएगा, इस तरह की बात की जा रही है। फिर देखो यहाँ पर बोला है विधायी प्रस्ताव की जांच करना, जो विधेयक है उसका जांच भी नहीं हो पाएगा, इसलिए जो कि जरूरी है कि इन पे जो कि इस तरह के जो संसद की कार्यप्रणाली है उसको सुचारू रूप से संचालन किया जाए, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है। साथ ही देखो यहाँ पे हमारे जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में जो संसद के लिए जो कि तीन भूमिकाएँ निर्दिष्ट की गई है, आपकी पहला कि आप विधि का निर्माण करिए, साथ ही जो आपके राष्ट्र और नागरिक संबंधी मुद्दे हैं उस पर जो कि विमर्श और विवाद कीजिए, डिबेट करिए, बात करिए, डिस्कशन करिए। फिर साथ ही जो लोगों के प्रति नीतियों और या कार्यवाहियों पर सरकार की जो जवाबदेही है वो भी सुनिश्चित हो सके। तो इससे देखो गवर्नमेंट तो विधि का निर्माण तो कर रही है लेकिन जब कार्यप्रणाली घट रही है तो इस पर देखो डिस्कशन नहीं हो पा रहा है। डिस्कशन नहीं होगा तो एक बेहतर जो कि कंक्लूजन वो नहीं निकलेगा, बेहतर समाधान नहीं निकल पाएगा, और इससे देखो जो गवर्नमेंट है उसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित नहीं हुई है। तो ये जो गवर्नमेंट की जो तीन भूमिकाएं उनसे देखो संसद की कार्यप्रणाली के गिरने से क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट की तीन भूमिकाएं उनमें से दो भूमिकाएं प्रभावित हो रही हैं। तो इसी वजह से बोला जाए, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है कि संसद की कार्यप्रणाली गिरे ना वो बना रहे। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि संसदीय कार्यप्रणाली को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। यहाँ पे कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं, कुछ बात की जा रही है। जैसे देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बैठकों की जो संख्या उसको बढ़ा दी जाए। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है राष्ट्रीय संविधान कार्यकाल समीक्षा आयोग, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक कमीशन था, इसने बोला कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए न्यूनतम बैठकों की संख्या फिक्स कर दी जाए कि कम से कम इतनी बैठकें तो होनी चाहिए एक साल में, 120 और 100, यानी लोकसभा के लिए 120 बैठकें निर्धारित होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 100 बैठकें कम से कम होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे देखो और क्या वे फॉरवर्ड में आपको बताया जा रहा है
बोला जा रहा है संसद सदस्यों को अनुसंधान सहायता उपलब्ध कराना, मतलब कि जो संसद के सदस्य हैं उनको जो कि जो इंस्टीट्यूशन रिसर्च सेंटर है उनके जरिए जो कि इनको जो कि सहायता प्रोवाइड किया जाए, और उनको बताया जाए कि जो सामाजिक विभिन्न नीतिगत मुद्दे हैं या सामाजिक मुद्दे हैं उसके बारे में एक बेहतर उनको समझ विकसित करने के लिए जो कि ऐसे जो आपके अनुसंधान हैं उनको जो कि सहायता के रूप में देना चाहिए। साथ ही बोला यहाँ पर देखो बोला जाए कि जो समिति है उसको निर्दिष्ट करना, यह यहाँ पर बोला जा रहा है जो जितने भी विधेयक हैं या बजट है इसको बिना जांच के आगे ना बढ़ाया जाए, तो इस तरह की बात मतलब समिति को स्क्रूटनाइज करने देना चाहिए जो भी बिल वगैरह पास हो रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका जो सदस्य हैं उसके कार्यकाल को बढ़ाया जाए, यानी जो समिति के सदस्य हैं उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए ताकि वो भी अपनी जो कि सुरक्षा, ऐसा ना हो वो ना सोचे कि यार मेरा तो टेन्योर थोड़ा सा ही, चलो गवर्नमेंट जैसा कहती है उसी आधार पर चलते, नहीं वो मतलब कि एक तरह से निष्पक्ष होकर जाँच कर सके, ठीक है, गवर्नमेंट के बिना प्रभाव में आके। साथ ही इनको बोला जाए नियमित निगरानी करना, जो भी आपकी समिति है उनके उनकी कैसे प्रदर्शन है, उन्होंने सही जांच की कि नहीं की, इसके लिए भी एक जो कि व्यवस्था होना चाहिए, एक तंत्र होना चाहिए जो इसकी जो कि निगरानी करे। साथ ही एक जिम्मेदार विपक्ष का होना चाहिए जिनको, जी हाँ, जहाँ पर देखो जो कि वैकल्पिक तरीक़ों से जो कि जो गवर्नमेंट उससे प्रश्न पूछ सके, उस पर आपत्ति प्रकट कर सके और तर्कसंगत और प्रभावी तर्क के माध्यम से इस तरह के डिबेट वो कर सके, तो एक तरह से जिम्मेदार विपक्ष का भी होना जरूरी है, तभी जो कि संसद की कार्यप्रणाली अच्छे से चलेगी। साथ ही बोला जा रहा है जो शैडो कैबिनेट है या छाया मंत्रिमंडल है जैसा कि ब्रिटेन में, तो ऐसा ऐसा कुछ प्रावधान करना जिससे क्या होगा जो मंत्रालय है उस पर विस्तृत निगरानी व जांच की अनुमति प्रदान की जाएगी, मतलब जो अपोजिशन है उसमें भी पूरी तरह से मिनिस्ट्री की पूरी लिस्ट, जो जैसे देखो जो गवर्नमेंट में जितने मिनिस्टर हैं उतने ही मिनिस्टर जो कि अपोजिशन में होंगे, पर इनके पास वो पावर नहीं होगी उस तरह के मिनिस्टर की, लेकिन हाँ जो जो मिनिस्टर, अब ये क्या होगा यहाँ पर जो अपोजिशन जो मिनिस्टर है और अगर गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर उन्होंने कुछ काम किया, कोई नीति कोई पॉलिसी लाई है, तो जो अपोजिशन उससे उसी वैसा वाला मिनिस्टर, जैसे मान के चलो गवर्नमेंट कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है, तो अपोजिशन में भी एक एजुकेशन मिनिस्टर होगा, अगर एजुकेशन संबंधी कोई मिनिस्टर ने कोई पॉलिसी लाई है, अगर इस पर कोई समस्या है तो ये मिनिस्टर जो कि अपोजिशन वाला उठ कर आएगा, बोलेगा भाई आपने ये गड़बड़ कर दिया है, ये आप इसको अपने बिल को वापस ले जाइए या फिर इसमें कुछ और सुधार कीजिए, तो इस तरह की भी एक व्यवस्था होनी चाहिए जिससे क्या होगा जो गवर्नमेंट है उसकी जो मंत्रिमंडल है या मिनिस्टर है मंत्रिपरिषद इसकी जो कि जिम्मेदारी या जवाबदेही जो कि बढ़ जाएगी इससे। साथ ही यहाँ पर बोला जा रहा है देखो फीडबैक लेना, यानी जो सरकार है सरकार को देश में संसदीय कार्यप्रणाली पर एक व्यापक विमर्श को प्रेरित करना चाहिए और जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना, जो भी बिल ला रही है गवर्नमेंट उसको जो कि पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए और पब्लिक की बातों को उस पर विचार विमर्श करने के लिए उसको छोड़ देना चाहिए 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने तक उसको जो कि एक कम से कम 1 महीने तक तो जरूर छोड़े कि पब्लिक अपनी राय बताए कि क्या ये जो हम बिल ला रहे हैं वो सही है कि नहीं है, इसमें क्या खामियां है, वो अपना जो कि सजेशन हमें दे सकते हैं, फिर उस आधार पर उस बिल पर जो कि सुधार किया जाए। फिर साथ ही बोला जा रहा है कि जो दल परिवर्तन अधिनियम है इसमें भी आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए जिससे देखो जो सांसदों की पार्टी जो सांसद है वो पार्टी लाइन से इतर जो कि स्वतंत्र होकर अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मिले, जैसे मान लो कि चलो अगर कोई पार्टी है, अब क्या होता है दल परिवर्तन अधिनियम में ये एक आपका प्रावधान है कि जो पार्टी लाइन से अगर व्हिप जारी हो जाती है तो पार्टी लाइन से इतर अगर आपने वोट किया या बात की तो आपको जो कि पार्टी से बेदखल कर दिया जाएगा और आपको जो आपका MP का टिकट है वो खत्म हो जाएगा, मतलब आपका जो MP का पद है वो खत्म हो जाएगा, तो इस तरह की प्रावधान, तो यही बोला कि इस तरह के प्रावधान में संशोधन करना चाहिए ताकि अगर पार्टी में भी अगर कोई MP है उसको लगता है कि जो हमारी पार्टी से जो बिल आ रहा है ये गलत है सही नहीं है इसमें कुछ और या फिर इसकी जो त्रुटियां उसको समाधान उसमें कुछ और जो कि सुधार होना चाहिए, तो इनको इसे छूट देना चाहिए ताकि ये भी जो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इनको मिल सके और इस तरह से जो कि क्या हो देखोगे तो एक बेहतर बिल जो कि हमारे सामने आएगा। निष्कर्ष पे यहाँ पे कंक्लूजन बताया जा रहा है, देखो बोला जा रहा है सभी विधायी प्रस्तावों के विस्तार से जांच करने, उनके सूक्ष्म भेदों और प्रावधानों के निहितार्थों को समझने और उन पर उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है, अपने संवैधानिक अधिदेश को पूर्ण करने के लिए अनिवार्य है कि संसद 3D अर्थात वाद विवाद एंड डिबेट, चर्चा एंड डिस्कशन, विचार विमर्श यानी डेलिब्रेशन, ठीक है, कि भावना को आत्मसात करके उचित रीति से कार्य करें, मतलब अगर आपको संसद की कार्यप्रणाली को बेहतर करना है तो बेहतर है आप 3D हैं जिसपे आपको कार्य जिसको आपको प्रमोट करना होगा, जैसे कि कोई भी बिल है तो उस पर डिबेट हो अच्छे से, उस पर जो कि अच्छे से डिस्कशन हो, विचार विमर्श हो, तब जाके जो कि उस बिल को जो कि आप पास करिए उसके आधार पे, तब जाके जो कि कोई बिल जो कि एक अच्छा बिल जो कि बन के आएगा पूरे समाज के लिए, जो कि समाज हित में होगा, ना कि किसी एक पार्टी हित में या किसी मंत्री के हित में होगा, ठीक है, तो इस आधार पर जो कि हमने ये वाला टॉपिक भी अच्छे से डिस्कस किया। चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, राज्य और मंदिरों का विनियमन।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, राज्य और मंदिरों का विनियमन, स्टेट एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्पल, यानी कि जो स्टेट है वो आपको किस तरह से मंदिरों को रेगुलेट करता है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। चलो इस टॉपिक को देखते हैं। बोला जा रहा है जो इसकी शुरुआत आप देखोगे वर्ष 1817 में सबसे पहले इसकी शुरुआत देखी गई, कहाँ पर, बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी में, जहाँ पर जो कि ब्रिटिशर्स ने जो कि जो आपका धार्मिक संस्थान है उस पर नियंत्रण लगाना शुरू किया था। फिर धीरे धीरे ये देखो कहाँ कहाँ हर धीरे धीरे आप देखोगे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे कई राज्यों ने हिंदू धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन के लिए जो कि विभिन्न विधियों का निर्माण किया है। फिर इसके बाद देखो जैसे कौन कौन से प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए क्या प्रावधान किया है, जैसे HR NCE विभाग की स्थापना की है, मंदिरों के कामकाज एवं प्रशासन की निगरानी करना, गैर वंशानुगत न्यासियों की नियुक्ति करना, बजट की स्वीकृति आदि इस तरह की जो कि प्रबंधन इसमें शामिल है। साथ ही अब यहाँ पर देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ मामलों में उन्हें मंदिरों के प्रशासन की प्रत्यक्ष निगरानी एवं प्रबंधन के लिए कार्यकारी अधिकारियों या सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने का भी अधिकार है। मतलब जो राज्य है वो चाहे तो कुछ मामलों में मंदिरों पर जो कि प्रत्यक्ष निगरानी कर सकता है और चाहे तो वो सरकारी अधिकारी भी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पर निगरानी के लिए या उसको उसकी जाँच के लिए जो कि कोई अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है। फिर देखो यहाँ बोला जा रहा है हालांकि हाल के दिनों में धार्मिक संस्थानों विशेष रूप से मंदिरों पर राज्य के नियंत्रण की प्रभावकारिता, आवश्यकता और संवैधानिक वैधता को प्रश्नगत किया गया। मतलब इस पर एक सवाल उठाया जा रहा है कि आप राज्य जो कि मंदिरों पर क्यों इतना जो कि कंट्रोल कर रही है। अब देखो हमारे जो संविधान में है, संविधान में जो धार्मिक संस्थाएं उनको रेगुलेट करने से संबंधित कुछ प्रावधान संविधान में दिए गए हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करके समझेंगे क्या क्या संविधान में प्रावधान है। जैसे देखो यहाँ बोला जो आर्टिकल 25(2) है वो जो कि स्टेट यानी जो राज्य है उसको ऐसी किसी विधि के निर्माण की अनुमति प्रदान करता है जो धार्मिक आचरण से संबंध आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन को विनियमित करती है, उस पर कोई रोक टोक लगाती है। तो आर्टिकल 25(2) के तहत जो कि राज्य को ऐसी अनुमति दी गई कि वो इस तरह की विधि का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही देखो जो सामाजिक कल्याण और सुधार के संदर्भ में कोई ऐसी बात होगी तो भी जो कि राज्य जो कि विधि बना सकती है। फिर इसी तरह देखो आर्टिकल 26 में बोला जा रहा है कि सभी धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है जिसमें निम्न स्वतंत्रता शामिल, मतलब जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं उनको जो कि अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन कुछ मामलों में जो कि राज्य भी हस्तक्षेप कर सकता है जैसे कि यहां हमने 25(2) में देखा। अब यहां पे देखो जो ये बोला जा रहा है भारतीय संविधान की अनुसूची 7 जो आपका शेड्यूल 7 है ठीक है उसके तहत ये देखोगे आपका समवर्ती सूची में प्रविष्ट, मतलब जो दान और धर्मार्थ जो धार्मिक संस्थान है ये कौन से लिस्ट में आएगा, आपका 7वीं अनुसूची के समवर्ती जो सूची है उसके अंतर्गत आएगा, यानी इस पे जो कि केंद्र और राज्य दोनों जो कि कुछ ना कुछ विधान बना सकती है, विधियां बना सकती है। तो ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। और साथ ही आप देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला जा रहा है कि जो राज्य है वह अनुच्छेद 25 और 26 के तहत प्रदत्त अधिकारों को लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर निबंधित कर सकता है। मतलब जो ये धार्मिक संप्रदाय या धार्मिक लोगों को जो अधिकार दिए गए कि वो अपने मंदिर वगैरह धार्मिक संस्थान उसको रेगुलेट कर सकते हैं, उस पर प्रशासन कर सकते हैं ठीक है, ये सब चीज़ें जो बातें हैं उस पर जो कि अगर राज्य जो कि 3 आधार पर, कौन कौन से आधार है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, अगर इनका इनसे संबंधित कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इन अधिकारों पर जो कि पाबंदियाँ भी राज्य लगा सकती है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखो क्या कह रहा है, मंदिरों के प्रबंधन में राज्य के हस्तक्षेप के पक्ष में तर्क। देखो कुछ ऐसे बातें भी है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्यों राज्य का हस्तक्षेप करना जरूरी है मंदिर के रेगुलेशन के लिए, तो उसके पक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं। तो हम समझते हैं क्या क्या है। जैसे देखो पहला बोला जा रहा है सामाजिक सुधार, यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो कई जगह आप देखोगे मंदिरों में क्या होता है, जो वंशानुगत पुजारी मतलब पुजारी ही होते हैं जिनकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ही पुजारी, मतलब वहाँ पे एक ही परिवार के लोग जो कि पुजारी बनते हैं और अन्य परिवार को ये मौका नहीं दी जाती, तो इस तरह के जो भेदभावपूर्ण व्यवहार है इसको हटाने के लिए, मतलब ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार ना हो इसको सुनिश्चित करने के लिए कि यहाँ पे जो राज्य है उसका जो कि हस्तक्षेप करना जरूरी हो जाता है। फिर देखो यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत की जो पंथ निरपेक्षता है वह राज्य और धर्म के कठोर पृथककरण को प्रोत्साहित नहीं करती। यहाँ पे मतलब जो भारतीय पंथ निरपेक्षता है वह यह बताती है कि राज्य और धर्म जो कि कठोर रूप से अलग नहीं है, कहीं ना कहीं वो आपस में जुड़े हुए भी हमको नज़र आते हैं। फिर देखो यहाँ पे वही बोला जाए जो जैसा पहला पॉइंट था कि सभी वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व, जो भी आपका जैसे ट्रस्ट वगैरह ट्रस्टी हैं जो आपके जो भी यहाँ पे जो प्रशासन मंदिर संबंधी जो प्रशासनिक कार्य हो रहे हैं तो उसमें जो कि सभी जातियों का जो कि एक तरह से देखो ऐसा ना हो कि किसी जाति के साथ
भेदभाव, उसको प्रतिनिधित्व का मौका ना मिले, मतलब हर एक जाति का जो कि उसमें प्रतिनिधि हो सके, तो इस तरह का भी प्रावधान करने के लिए जो कि राज्य का हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जाता है। साथ ही देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मंदिरों का कुशल प्रबंधन हो, यानी मंदिरों को यहाँ पर देखो मंदिरों और दान की गई संपत्तियों को बेहतर प्रशासन व संरक्षण, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि हिंदू सार्वजनिक विन्यास का उपयोग सही उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, तो इसके लिए भी देखो राज्य का हस्तक्षेप करना जरूरी हो जाता है। साथ ही यहाँ पर देखो जो निधियों की बृहद मात्रा, आप देखो कि मंदिर में बहुत से जो चढ़ावे दान किए जाते हैं, मतलब अधिक से अधिक मात्रा में जो कि दान किया जाता है, बहुत सारा संपत्ति होता है मंदिरों में जो दान किया होता है, तो ये जो बड़ी मात्रा में जो धनराशि है इसका जो कि सही उपयोग हो सके, इसके लिए भी जो कि राज्य का हस्तक्षेप करना उचित हो गया है। फिर साथ ही देखो यहाँ पर बोला जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए मंदिरों का महत्व, यानी कि जो उस मंदिर के आसपास जो चीज़ें बाजार है, व्यवस्था है, जो मंदिर सामग्री संबंधी, जो मंदिरों से संबंधित जो कि सामान बेच रहे हैं दुकानदार हैं, उनका भी हित जो कि सही हो सके, उनके भी हित में जो कि काम हो सके, ऐसा ना हो मंदिर के बोर्ड है या मंदिर बोर्ड में जो लोग हैं वो जो कि किसी पर्टिकुलर बाजार में किसी पर्टिकुलर लोग को ही जो कि आमंत्रित कर और किसी जो स्थानीय लोग उनको हटा दे, ऐसा ना कर सके, तो इस तरह के इसके लिए भी जो कि जो राज्य है उसका इसमें हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो जाता है। तो ये कुछ हमने मुद्दे मतलब ये देखे तर्क देखे क्यों जो कि राज्य का जो कि हस्तक्षेप करना अनिवार्य है मंदिरों के प्रबंधन में। अब देखो यहाँ पर कुछ मुद्दे हैं, मतलब जो अगर राज्य हस्तक्षेप करा तो इससे कुछ मुद्दे उठ रहे हैं, कुछ समस्याएं हैं, उसको समझ देखते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं। जैसे ये बोला कि अन्य धर्मों के संदर्भ में भेदभाव हो रहा है, कैसे भेदभाव हो रहा है, यहाँ पे देखो जो आपका आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 वह समानता का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 15 जो कि धर्म के आधार पर जो कि विभेद को प्रतिषेध करता है, यानी कि धर्म के आधार पर जो अगर भेदभाव होगा तो उसका उल्लंघन करता है। तो ये बताया जो आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 15 है, अगर राज्य जो कि धर्म के आधार पर धर्म पर जो धार्मिक संस्थाएं हैं उसको रेगुलेट करती है, तो ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का उल्लंघन कर रहा है। कैसे, यहाँ पर देखो यहाँ बताया कि जो अन्य धार्मिक संप्रदायें हैं, अन्य धार्मिक संप्रदायों से संबंधित जो संस्थान है उसको जो कि राज्य नियंत्रित नहीं करता, केवल जो हिंदू धर्म संप्रदाय के संस्थान है उसको उसी को जो कि राज्य रेगुलेट कर रहा है, तो अगर वो करे तो सबको करे अथवा किसी को ना करे। यहाँ पे देखो एक तरह से कह रहा है कि भेदभावपूर्ण नीति राज्य अपना रहा है। फिर साथ ही आप देखो बोला जा रहा है मंदिर बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में अप्रभावी बना, मतलब जो राज्य है उसने अभी तक देखो जितने भी मंदिर बोर्ड वगैरह हैं या ट्रस्टी जो गठित हुए उसमें जो कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी तक जो कि राज्य सुनिश्चित नहीं कर पाई है, तो ये जो कि ये भी एक मुद्दा जो कि बड़ा सामने हमको देखने को मिलता है। साथ ही आप देखो मंदिरों की संपत्ति के प्रबंधन में भ्रष्टाचार, जितने भी यहाँ पर देखो बोला जाए ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ सरकारी अधिकारी मंदिर की भूमि या मंदिर के स्वामित्वाधीन दुकानों के फर्जी आवंटन, मंदिर के धन के गमन और दुरुपयोग और मूर्तियों की चोरी आदि के अनुचित कृत्यों में शामिल है, मतलब जो अधिकारी है वो खुद ही जो कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मंदिरों की संपत्ति को हड़प रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इस तरह के मुद्दे जो कि राज्य के हस्तक्षेप से देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ बोला जाए जो सांस्कृतिक पूंजी है उसका भी छड़ है, क्योंकि जो राज्य वो मंदिरों का ठीक से देखभाल नहीं कर पाती, बस ऊपर ऊपर से काम करती है और पूरी तरह से जो मंदिर का प्रबंधन या फिर मंदिर की देखरेख नहीं करती है। साथ ही यहाँ पे बोला जाए जो मंदिर निकाय हैं ट्रस्टी उनका भी राजनीतिकरण देखने को मिल रहा है, तो इससे जो कि एक तरह से ये जो मंदिर है वो भी जो कि अपने लक्ष्यों से दूर हो रही है, अपने लक्ष्य अपने जो उनके काम उद्देश्य उसको जो कि प्रभावित हो रही है। साथ ही यहाँ पे देखो और क्या मुद्दे आपका, धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं के अनुचित हस्तक्षेप, जो धार्मिक प्रथाएँ हैं उसको जो कि राज्य जो कि हस्तक्षेप करके उसको बाधित कर रही है, इससे जो लोगों की धार्मिक भावनाएँ हैं वो ठेस पहुँच रही है, तो इस तरह की बात कही जाए। और साथ ही देखो मंदिरों के जो वित्तीय मुद्दे हैं राज्य के हस्तक्षेप से उससे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पहला पॉइंट बोला जा रहा है कि अपर्याप्त निधि सृजन के कारण राजस्व संग्रह में कमी आई है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब जो अधिकारी वो जो करप्शन कर रहे हैं, मंदिर के पूंजी को संपत्ति को लूट रहे हैं या फिर इधर उधर मतलब उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इससे जो मंदिर का राजस्व संग्रह है उसमें कमी देखने को मिली है। साथ ही यहाँ बोला जा रहा है कि सरकार द्वारा सूक्ष्म प्रबंधन के कारण वित्तीय सहायता का छड़ा है, मतलब जो मंदिर के जो लोग थे जैसे पुजारी ट्रस्टी है वो जो कि अपनी पूरी स्वायत्ता के साथ यानी पूरी ऑटोनॉमी के साथ जो कि काम नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि इसमें जो कि सरकार का हस्तक्षेप काफ़ी ज़्यादा है। फिर साथ ही बोला कि सीमित स्वायत्ता के कारण यहाँ का जो पर्यटन क्षमता है उसका भी कम उपयोग हो सका है, जब देखो गवर्नमेंट का ज़्यादा हस्तक्षेप होगा तो मंदिर में जो लोग हैं जो जुड़े हुए इसके संस्थानों से जुड़े हुए लोग हैं वो जो कि अपने पूरी इच्छा शक्ति से या फिर पूरे मनोबल से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनमें बार बार रोक टोक लग रहा है, तो इससे जो वहाँ का पर्यटन है वो भी प्रभावित हो रहा है। अब देखो यहाँ पे वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है आगे की राह कि हम क्या कर सकते हैं इसमें सुधार करने के लिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो आध्यात्मिक और प्रशासनिक अधिकारिता के मध्य पारदर्शिता बनाए रखना चाहिए हमको,
कहने का आशय है जो मंदिर में प्रशासनिक अधिकारी है उनकी जवाबदेही जो कि तय होनी चाहिए और उनके जो कि समय समय पर जांच परख भी करनी चाहिए कि उन्होंने जो जो काम किया है वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। तो ये सब व्यवस्था यानी पारदर्शिता को हमको बनाए रखना चाहिए। साथ ही बोला जा रहा है यहाँ पर देखो कि जो आंतरिक रूप से संस्थानों का निर्माण और शुद्धिकरण किया जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है जैसे आप देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मंदिर बोर्ड को मंदिर के विभिन्न उपांगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को शामिल करना, जैसे यहाँ पर बोला जाए कि जो मंदिर से संबंधित और भी जो लोग हैं उनको जो कि इसके प्रतिनिधित्व के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, जैसे न्यासी जो है मठ न्यासी हैं, आगम विशेष जो विशेषज्ञ है, शोधकर्ता है, शिक्षाविद है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील है आदि जैसे पेशेवर तथा महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित होना चाहिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखो बोला जा रहा है हब और स्पोक मॉडल के आधार पर मंदिर को संयोजित करना चाहिए। इस पर कहा जा रहा है कि अगर कोई मान लो होता है हमको देखने मिलता है किसी किसी मंदिर में बहुत ज़्यादा दान आता है जबकि किसी किसी मंदिर में दान नहीं आता है, तो क्या होता है कि इस मंदिर की देखभाल तो बहुत अच्छे से हो रही है पर इस जहाँ मंदिर में दान बहुत कम है तो इसकी देखभाल अच्छे से नहीं हो पाती। तो वही बोला जाए जो अधिशेष दान है यानी अधिक से अधिक दान जहाँ पर अधिक दान है प्राप्त करने वाले अधिशेष दान प्राप्त करने वाले अधिक संपन्न मंदिर कम संपन्न और अक्षम मंदिरों का समर्थन करें, मतलब ये मंदिर जो कि अपने अधिक अधिशेष जो दान है अपने इस अधिशेष दान के जरिए जो कि इस मंदिर को भी रिवाइव करें, इसको भी जो कि सक्षम बनाए, इसका भी मतलब देख रेख करें। तो इस तरह के हमें करना चाहिए ताकि जो मंदिरों का संरक्षण है वो अच्छे से हो सके। फिर साथ ही हमें बोला जा रहा है देखो सरकारी जो कामकाज है उसमें पारदर्शिता बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, जो प्रशासनिक मानक है उनको लागू करना चाहिए। साथ ही बोला जा रहा है जो सार्वजनिक भागीदारी है उसको भी बढ़ाना चाहिए ताकि इससे क्या होगा जो स्वतंत्र मतों को जो अब ऐसा नहीं कि जो सरकार है वो अपनी मनमानी करे, ताकि इससे क्या होगा जो सरकार है एक तरफ और एक तरफ जो मंदिर के मठ के लोग हैं इन दोनों के बीच में आपसी जो बातचीत है जो विवाद है इसको जो कि जनता द्वारा जो कि सुना जाना चाहिए और इस पर जो कि जनता की राय भी लेनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि सरकार अपना मनमाना कदम उठाती रहे। फिर साथ ही बोला है कि यहाँ पर जो हिंदू धार्मिक और पूर्त विन्यास है यानी HR&CE विभाग है इसकी भूमिका सीमित होना चाहिए, इसकी भूमिका केवल विनियामक ही होनी चाहिए, मतलब रेगुलेट करते रहे, ऊपर ऊपर से देखती रहे कि क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही क्या गलत है, जहाँ गलत हो रहा है बस वही भी बोले और हर मुद्दे में इसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो मतलब इसका जो रोल होना चाहिए वो सीमित होना चाहिए। अब देखो मंदिर प्रबंधन के संदर्भ में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर निर्णय दिया है तो यहाँ पर कुछ निर्णय इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर वे फॉरवर्ड भी देख लिया और जो मुद्दे वो भी देख लिया, ये सब कुछ कुछ जजमेंट है उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे बोला जाए कि एन आदित्यन बनाम त्रावणकोर देवास्वाम बोर्ड 2002, ठीक है, ये एक केस आया था जिसमें ये बोला गया कि उच्चतम न्यायालय था उसने जो सार्वजनिक मंदिर है उसमें जो पुरोहित के पदों के लिए सभी जातियों को अर्हत माना, यानी जो पुरोहित का पद है उसमें सभी जाति के लोग जो कि योग्य है, किसी को भी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा पुरोहित पद के लिए। ये काफ़ी अच्छा निर्णय था जिसने कास्ट सिस्टम जो आपका कास्ट सिस्टम है उस पर प्रहार किया है। फिर देखो आपका नेक्स्ट है रतिलाल बनाम बॉम्बे राज, ठीक है, ये आपका सेकेंड वाला देखो रतिलाल बनाम बॉम्बे राज, इसमें देखो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि कुप्रशासन व वित्तीय कुप्रबंधन की स्थिति में प्रशासन को अपने अधिकार में लेने की शक्ति को निश्चित रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 26B का उल्लंघन नहीं माना जा सकता, मतलब कि जो राज्य है अगर किसी मंदिर का कुप्रशासन हो रहा है और कुप्रबंधन हो रहा है मतलब अच्छा प्रशासन प्रबंधन नहीं हो रहा है तो राज्य ऐसे मंदिरों का जो कि प्रबंधन अपने हाथ में ले सकता है और यह जो कि अनुच्छेद 26B की तरह ये जो कि अनुच्छेद 26B का उल्लंघन नहीं करेगा, ऐसा उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस तरह का जो कि रतिलाल बनाम बॉम्बे राज्य में जो कि आपका जजमेंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फिर देखो आपका जो नेक्स्ट जजमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है वो है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य वाद 2014। तो ये जो तमिलनाडु वाला आया था इसमें बोला गया उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मंदिरों को विनियमित करने की राज्य की शक्ति से तात्पर्य अनिश्चित काल के लिए मंदिर के प्रशासन का अधिक्रमण करने की शक्ति नहीं, मतलब यहाँ पे जो अगर राज्य को कुछ मंदिर को रेगुलेट करने के अगर राज्य को पावर दी जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि राज्य जो कि उसको अनिश्चित काल तक रेगुलेट करता, नहीं, जहाँ जहाँ जो कमियाँ आप उसको सुधार करिए फिर उसके बाद आप वहाँ पर रेगुलेट करने से पद से हटिए, ठीक है, आपकी जो ड्यूटी वो पूरी हो जब हो जाती है कि रेगुलेट में जो जो कमियाँ थी आपने उसको सुधार कर दिया है सब कुछ ठीक कर दिया तो फिर आप अपनी वहाँ पर भूमिका धीरे धीरे कम कर लीजिए और जो मंदिरों को स्वायत्ता है आप उसको बरकरार रखिए, उनको पूरी स्वायत्ता दीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि तमिलनाडु के जजमेंट में जो कि आपका निर्णय सामने आया था। फिर इसी तरह देखो केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर का मामला, अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो उसके लिए सॉरी, पर जो लोग हैं उसका जो लोग जो केरल से बिलोंग करते हैं वो इसको ज़्यादा अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है, फिर भी मैंने ट्राई किया है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि उच्चतम न्यायालय ने तत्कालीन त्रावण को जो राज परिवार था केरल
जो त्रावणकोर के राजपरिवार थे इनको, जो कि केरल में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से संबंधित संपत्तियों के लिए सौबेतेसी अधिकार यानी मंदिर के प्रबंधन के अधिकार प्रदान किया है। कहने का मतलब जो अभी तक देखो ये जो जजमेंट आया है यहाँ पे, जो कि राज्य का जो हस्तक्षेप बढ़ गया था उसको रोकते हुए, उसको कम करते हुए बोला कि जो त्रावणकोर राज परिवार है जो अभी तक जो कि इस मंदिर का जो कि रेगुलेट कर रही थी, उसको देख रही थी, तो वो जो कि इससे संबंधित जो संपत्तियाँ हैं वो इसकी संपत्तियों को रेगुलेट कर सकती है। यहाँ पर राज्य जो इसको इस संपत्ति को अपने अधिकार में ले रही थी, तो राज्य ऐसा ना करे क्योंकि यह मंदिर की जो स्वायत्ता है उसको जो कि उल्लंघन करेगा। जो आर्टिकल 25 में जो मंदिरों के प्रबंधन की बात की गई है उसका भी उल्लंघन करेगा। तो एक तरह से यहाँ पे देखो राज्य को सीमित करने की बात कही गई है इस जजमेंट में, जो कि काफ़ी अच्छा जो कि जजमेंट आपका रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट रहे समय समय पर मंदिर पर और राज्य राज्य राज्यों का मंदिर पर कंट्रोल को लेकर, तो जो हमने यहाँ पर देखा डिटेल से। ये टॉपिक आपका यहाँ पर खत्म होता है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो आता है इंटरनेशनल रिलेशन की बात आता है, इसको हम लोग जो कि कल अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।